हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास एक वीवो का सेट है और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है रिंगार का। तो इसमें जो कि दोस्तों वीवो का बहुत सारे मॉडल का सेम टू सेम मदरबोर्ड आते हैं, जैसे कि Y90, Y91i, Y91c, उसके बाद Y93 और Y95। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जो कि दोस्तों पांचों सेट का सेम मतलब प्रोसेस से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो हम चलिए इसको जो किया आज आपको दिखाते हैं कि ट्रैक किस प्रकार से जाते हैं और कैसे ये काम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका जो स्पीकर है इसको पहले चेक करना होगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर इसमें स्पीकर का ही फोल्ड आते हैं। तो मेरा जो कि दोस्तों स्पीकर सही आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपका स्पीकर में प्रॉब्लम दिखा रहा है, यानी स्पीकर बीप मोड में चेक कर रहा है, अगर बीप नहीं बज रहा है तो आपको स्पीकर को चेक कर लेना होगा। उसके बाद इस जो पत्ता है दोस्तों, बेल्ट है, इसको भी आपको चेक करना होगा कि सही से बैठा है या नहीं। उसके बाद जो कि दोस्तों यहाँ पर जो कि आपको चेक कर लेना होगा कि आपका स्पीकर सही से टच कर पा रहा है या नहीं। दोस्तों मैं अपना पीसी में चलता हूँ और पीसी में जाकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सही से दिखा नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं अपना पीसी में आ चुका हूँ, और पीसी में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपका स्पीकर चेक करने के बाद ये जो आपका प्रिंट है दोस्तों इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये स्प्रिंग जैसा लगा हुआ रहता है, ये कई बार टूट जाते हैं और सही से टच ना करने के कारण भी ये प्रॉब्लम आते हैं कि आपका जो स्पीकर ये वर्क नहीं करते हैं, यानी नहीं बजते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए मैं अलग अलग कलर में जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव सिरा है और उस साइड वाला जो कि दोस्तों आपका नेगेटिव सिरा है। तो आपका जो कि दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से ये जो आपका बेल्ट लगता है यहाँ पर जो पिन है यहाँ तक आपको लाइन मापना होगा। तो लाइन मापने के लिए जो कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक लाइनिंग दे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो कि दोस्तों एक को छोड़ करके दो, दूसरा और तीसरा में जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको इसका लाइनिंग मिल जाएंगे। अगर यहाँ से अगर दोस्तों आपका लाइनिंग नहीं दिखा रहे हैं बीप मोड में, अगर आप चेक करेंगे तो बीप का साउंड देगा। अगर साउंड नहीं दे रहा दूसरा और तीसरा से आपको जंपर कर लेना है। ठीक उसी तरीके से जो कि दोस्तों नीचे में भी एक को छोड़ करके दूसरा और तीसरा में आपका नेगेटिव का लाइनिंग मिल जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर जंपर कर लेना है। उसके बाद जो कि दोस्तों लगभग आपका अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आपका सोल्व हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर इस बेल्ट में प्रॉब्लम हो तो आप इसको किस प्रकार से सोल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेना दोस्तों, कई बार क्या होता है कि वाटर डैमेज के कारण यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं। तो कार्बन अगर ले लें दोस्तों तो आपको जो कि दोस्तों उसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो कि दोस्तों अगर आपका फिर भी नहीं होता, इस बेल्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको इस बेल्ट के आगे वाले सिरे से जो कि दोस्तों बोर्ड से भी आपको सेम प्रोसेस से तीसरे नंबर पे ही दोनों तरफ से आपको जंपर उठा करके ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर जंपर कर दिया तो आपका जो कि दोस्तों लगभग वर्क करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि फिर भी वर्क नहीं करते हैं, तब आपको क्या करना है, तब जो कि दोस्तों अब आपको मदरबोर्ड को ओपन कर लेना है और उसको जो कि दोस्तों उल्टी तरफ आपको घुमा लेना है और उसके ऊपर एक टीना लगा हुआ रहेगा दोस्तों, तो टीना को आपको रिमूव करना है। तो मैं जो कि दोस्तों टीना को रिमूव कर चुका हूँ। उसके बाद आईसी, जो आईसी है दोस्तों उसके बगल में देखिएगा कि ब्लैक कलर का दो डायोड लगा हुआ है, सॉरी दोस्तों डायोड नहीं, ये कोयल है। तो दो कोयल लगा हुआ रहेगा दोस्तों ब्लैक कलर का। तो दोनों कोयल में से जो कि दोस्तों आपको दो वायर निकाल लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। और दोनों वायर को जो कि दोस्तों डायरेक्ट ले जा करके आपको स्पीकर में जोड़ देना है। तो चलिए मैं जो कि दोस्तों यहाँ पर जोड़ के आपको दिखा दे रहा हूँ, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो यहाँ ले जा करके जो कि दोस्तों आपको डायरेक्टली आपका जो स्पीकर है रिंगर उसमें डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा, तो आपका जो कि दोस्तों लगभग 80% काम बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लाइनिंग ही क्रेक होते हैं और सबसे ज़्यादा तो इस पत्ते में ही प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार जो कि दोस्तों जो आपका जो प्रिंट है वहाँ तक लाइनिंग नहीं पहुँच पाता। अगर फिर भी नहीं होता दोस्तों तो आपका ये जो कोयल है इसके आगे वाले सिरे से आपको जंपर लेना है, क्योंकि कई बार कोयल भी कट जाते हैं। और अगर दोस्तों आपका जो स्पीकर का लाइन है, स्पीकर खोलने के बाद भी अगर आपका स्पीकर का लाइन में शॉर्टिंग दिखाते हैं, तो आपका इसके जो आजू बाजू में जितने भी कैपेसिटर है सबको आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों कई बार जो कैपेसिटर है वोल्टेज इधर उधर होने के कारण ये शॉर्ट कर जाते हैं। तो इसको चेक कर लेना होगा, अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आपको रिमूव कर देना है। अगर दोस्तों उसके बाद भी नहीं बनता है और आपका जो रिंगर का लाइनिंग है वो भी शॉर्ट नहीं है, तब आपको क्या करना होगा दोस्तों कि जो आपका आईसी है दोस्तों इसको एक बार रीहीट करके देख लेना होगा। अगर रीहीट करके बन जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है दोस्तों तो आपको इस आईसी को चेंज कर लेना होगा। इसको चेंज करने के बाद जो कि दोस्तों 99% आपका जो प्रॉब्लम है वे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी ना हो तब जो कि दोस्तों आपका सीपीयू का प्रॉब्लम है दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा सीपीयू को जो कि दोस्तों आपको रिवॉल्व करना होगा। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वे 101% बन जाएंगे।
तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी प्रकार के वीडियो और भी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।